today's topic is osteichthyes. So these are also known as bony fishes. Body is often spindle shaped and streamlined. So streamlined मैंने आपको बताया था like this. And it facilitates in movement through water. So water को cut करने में आगे बढ़ने में help करता है इस तरह का shape. Fins are supported by cartilaginous or bony fin rays. तो आप ध्यान दीजिए कि वैसे तो ये bony fishes हैं but इनकी जो fin rays होती है वो हो सकता है कि cartilaginous भी हो सकती है और bony भी हो सकती है. तो only fin rays में cartilaginous word आ सकता है, अदरवाइज bony fishes होती हैं ये. Pectoral and pelvic fins act as balancer and brakes during swimming. तो जिस तरह से हम लोगों के हाथ होते हैं तो हाथ वाला पोर्शन हम लोग क्या बोलते हैं, उसके गर्डल्स को हम पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं जो कि थोरेसिक रीजन में होता है. एंड एब्डोमिनल पोर्शन में आपका पेल्विक गर्डल होता है जैसे कि हमारे दोनों पाँव. तो यहाँ पर फिशेस में लिम्स तो होते नहीं हैं तो इनमें पेक्टोरल फिन ऊपर की तरफ होती है और नीचे की तरफ क्या होती है, पेल्विक फिन. ओके, पोस्टीरियर रीजन में पेल्विक फिन होती है और ये बैलेंसिंग का काम करती है. द फिन्स लैक क्लैस्पर्स इन बोथ द सेक्सेस. तो आपको मैंने कॉन्डिक्थिस में बताया था कि मेल्स में क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं बट यहाँ ऑस्टिक्थिस में या बोनी फिशेस में क्लैस्पर टाइप की कोई चीज़ नहीं पाई जाती है. सो देर इज़ जनरली अ सिंगल डॉर्सल फिन. कॉन्डिक्थिस में आप लोगों ने दो दो डॉर्सल फिन के बारे में पढ़ा था, यहाँ पर सिंगल डॉर्सल फिन होती है. एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, हो सकता है कहीं कहीं एक्सेप्शंस हो. कॉडल फिन इज होमो सर्कल. तो कॉन्डिक्थिस में आपने हेट्रो सर्कल पढ़ा था कॉडल फिन. बोनी फिशेज में कॉडल फिन इज होमो सर्कल, एक जैसा होता है यानी कि इसको आप इक्वली डिवाइड कर सकते हो दोनों साइड, मतलब मिरर इमेज जो आएगा कट करने पर सेंटर पोर्शन से बिल्कुल एक जैसी इमेज आएगी. सो दैट इज इट इज कॉडल फिन इज होमो सर्कल. द टेल हेल्प्स टू प्रोपेल द फिश बाय इट्स लैटरल मूवमेंट्स. तो टेल और कॉडल फिन जो होती है वो इसको हेल्प करती है फिश को इसकी लैटरल मूवमेंट से या बैलेंसिंग मेंटेन करने में भी हेल्प करती है. स्किन हैज़ यूनिसेल्युलर म्यूकस ग्लैंड्स एंड डर्मल स्केल्स. तो स्किन में यूजुअली स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और जो एपिडर्मल रीजन होता है उसमें यूजुअली यूनिसेल्युलर म्यूकस ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिससे कि म्यूकस सिक्रीट होता है. आप हाथ में फिश को लेते होगे तो स्लिप कर जाती होगी. सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दीज यूनिसेल्युलर म्यूकस ग्लैंड्स सिक्रीशंस. एंड ये सिक्रीशंस यूजुअली ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं. एंडोस्केलेटन इज पार्टली और होली बोनी रिप्लेस्ड बाई डिस्टिंक्ट वर्टिब्री. तो इसमें वर्टिब्री डिस्टिंक्ट होती है, बिल्कुल क्लियर होती है. रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स फोर पेयर्स ऑफ गिल्स. गिल्सलेट्स कवर्ड बाय गिल कवर ऑपरकुलम. तो आप लोगों को कॉन्डिक्थिस में मैंने बताया था कि देयर इज़ नो एनी ऑपरकुलम बट लास्ट में जो मैंने आपको कनेक्टिंग लिंक बताया काइमेरा, सो काइमेरा में ऑपरकुलम लाइक कवरिंग आ गई थी. सो इस तरह से देखा जाए तो बोनी फिशेस में अलग से गिल की एक कवरिंग होती है दैट इज़ नोन एज ऑपरकुलम. गैस फिल्ड स्विम ब्लैडर इज ऑफन प्रेजेंट. बोनी फिशेस में स्विम ब्लैडर भी प्रेजेंट होता है, इसको हम एयर ब्लैडर भी कह सकते हैं. एंड इट इज़ ऑफन एक्ट्स एज अ ब्योयंसी रेगुलेटर, यानी कि जो फ्लोट करती रहती है ना फिश उसमें इसको हेल्प करता है कि वाटर के ऊपर फ्लोट करती है एक तरह से. सो उसमें ये जब चाहे इस तरह से एयर ब्लैडर के थ्रू इसको ब्योयंसी में हेल्प करता है. इन सम बोनी फिशेज द स्विम ब्लैडर इज़ यूज्ड एज अ लंग फॉर ब्रीदिंग एयर. कोई कोई फिशेज ऐसी भी होती हैं जिनमें डायरेक्ट एनवायरनमेंट से एयर ब्रीद कर सकती है जैसे कि हम लोग लंग्स के थ्रू करते हैं उस तरह से. सो लंग्स के अलावा एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं फिशेस में. सो लास्ट में आपको हम बताएंगे इसके ऑस्टिक्थिस के एंड में
कुछ फिशेस हैं यानी कि सेकंड सब क्लास जिसको हम सार्कोप्टेराइगी कहते हैं, तो उसमें लंग फिशेस आती हैं, डिप्नोई। तो आपको डिप्नोई लास्ट में बताऊंगी आज के इस लेक्चर के एंड में। तो वो लंग फिशेस कहलाती हैं, उनमें लंग्स के जैसे पेयर्ड फॉर्म में एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है, जो कि उन्हें डायरेक्ट एनवायरनमेंट से एयर ब्रीथ करने में हेल्प करता है। तो वो वाटर की जगह लैंड पे आकर के भी रह सकती हैं, कुछ टाइम स्पेंड कर सकती हैं ऐसी फिशेस। और जिनमें एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो भी थोड़े बहुत टाइम के लिए, जैसे चन्ना है, क्लेरियस है, ये भी थोड़े टाइम के लिए वाटर के बिना भी ये रह सकती हैं, या कम वाटर में भी ये आराम से अडेप्टेड होती हैं। हार्ट इज टू चैम्बर्ड, हैविंग वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। साइनस विनोसस एंड कोनस आर्टेरियोसस आर प्रेजेंट। तो ये हार्ट के अलावा, मतलब ऑरिकल वेंट्रिकल के अलावा, ये साइनस विनोसस एंड कोनस आर्टेरियोसस भी प्रेजेंट होता है इनमें। दे आर पॉइकिलोथर्मल एनिमल्स। तो हम आपको ऑलरेडी कितनी बार बता चुके हैं पॉइकिलोथर्मल के बारे में, बट यहाँ हम आपको ये बताएंगे कि फिशेस आर द फर्स्ट वर्टिब्रेट, सो कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट, फर्स्ट कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट। पॉइकिलोथर्मस का मतलब कोल्ड ब्लडेड होता है, या फिर एक्टोथर्मल भी होता है। देयर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। तो यहाँ पर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स है, ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि और सब में 12 पेयर्स होते हैं, सो पाइसेस में 10 पेयर्स हैं। ऑल्फैक्टरी सैक्स आर डॉर्सल, दे कम्युनिकेट विद द माउथ कैविटी इन लंग फिश ओनली। तो जो ऑल्फैक्टरी सैक्स होते हैं वो माउथ से कनेक्टेड होते हैं, जो कि लंग फिशेज में यूजुअली पाया जाता है। एंड ईयर कंसिस्ट ओनली ऑफ मेम्ब्रेनस लेबरिंथ हैविंग 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स और डक्ट्स। तो आपको याद रखना होगा 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, वैसे भी हमने आपको ग्रैथोस्टोम्स में बताया था, जबकि एनाथा में 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स बताया था। लैटरल लाइन सिस्टम आर एक्चुअली सेंस ऑर्गन्स विच आर वेल डेवलप्ड। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट मैटर इज मोस्टली अमोनिया। तो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में अगर आप जानना चाहो, तो इनका जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है वो मेनली इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया होता है। सो दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ बोनी फिश। आप इसमें ध्यान से देखो, स्ट्रीमलाइंड यानी कि थोड़ा सा डॉर्सल साइड इसका एंटीरियर पोर्शन जो है वो उठा हुआ सा है, जबकि एब्डोमिनल पोर्शन डिप्रेस्ड है, तो इसको हम स्ट्रीमलाइंड बोलते हैं। इसके अलावा जो कॉडल फिन है वो ऊपर की ओर को रेज कर रही है, तो वापस से रिस्ट फॉर्म, मतलब रिस्ट एंड ग्रूव, यानी कि ऐसे और फिर नीचे गहराई, फिर ऐसे, ये वाली चीज़ आ गई स्ट्रीमलाइन। बीच में आपको दिख रहा होगा एक लंबी सी लाइन, दैट इज़ द लैटरल लाइन सिस्टम, और इसमें सेंसरी, या इसको सेंसरी ऑर्गन सिस्टम भी हम कह सकते हैं। ऑपरकुलम आपको हेड के पास में गिल की कवरिंग है वो दिख रही है, उसी ऑपरकुलम के जस्ट पीछे आपको पेक्टोरल फिन नज़र आ रहा है। पेक्टोरल फिन के बाद एब्डोमिनल पोर्शन में नीचे की तरफ को पेल्विक फिन है, देन एनल फिन भी प्रेजेंट होता है, जो कि पेयर्ड फॉर्म में हो सकता है। और इसके अलावा डॉर्सल फिन आपको दिख ही रहा है डॉर्सल रीजन में, एंड कॉडल फिन प्रेजेंट है। सो एनल फिन सिंगल होते हैं, नॉट इन पेयर्ड, ओनली पेयर्ड फॉर्म में पेक्टोरल फिन होते हैं और पेयर्ड फॉर्म में पेल्विक फिन्स होते हैं। सो क्लासिफिकेशन पे आते हैं ऑस्टिक्थिस के। सो दीज ऑस्टिक्थिस आर ऑल्सो नोन एज स्टीलियोस्टोमी और बोनी फिशेस। सो इनको 2 सब क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट सब क्लास इज एक्टिनोप्टेराइगी एंड सेकेंड सब क्लास इज सार्कोप्टेराइगी। अब एक्टिनोप्टेराइगी को डायरेक्ट ऑर्डर में क्लासिफाई ना करके 3 सुपर ऑर्डर्स में क्लासिफाई किया गया है। सो एक्टिनोप्टेराइगी के 3 सुपर ऑर्डर्स में से पहला है कॉन्ड्रोस्टेई, जिसके 2 ऑर्डर्स हैं। दूसरा है होलोस्टेई, इसमें भी 2 ऑर्डर्स हैं। एंड थर्ड वन इज टीलियोस्टेई,
टीलियोस्टे, देखिए ऊपर टीलियोस्टोमी है और यहाँ पर ऑर्डर, सॉरी सुपर ऑर्डर टीलियोस्टेई है लास्ट वाला। बहुत ज़्यादा फिशेस होती हैं, इसकी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, सो देर आर सो मेनी ऑर्डर्स। सेकेंड सब क्लास इज सार्कोप्टेराइगी, जिसके दो ऑर्डर्स हैं। फर्स्ट वन इज क्रॉसोप्टेराइगी एंड सेकेंड वन इज डिप्नोई। तो डिप्नोई के बारे में मैंने बताया, बार बार बता रही हूँ, लंग फिशेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज ऑल्सो अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबियंस। सो शुरुआत करते हैं हम सब क्लास एक्टिनोप्टेराइगी से। दीज फिशेज विल लिव इन फ्रेश वाटर और मराइन वाटर, दोनों में रह सकती हैं, यानी कि माइग्रेट करती हैं एक तरह से। तो ब्रीडिंग सीजन में ज़्यादातर फिशेज जो होती हैं वो रिवर से ओशन की तरफ या मराइन वाटर की ओर जाती हैं, बट कुछ फिशेज ऐसे भी होती हैं जो कि मराइन से रिवर की ओर को आती हैं। दे डू नॉट शो इंटरनल नॉस्ट्रल्स, तो फिशेज में इंटरनल नॉस्ट्रल्स नहीं होते हैं, बट लास्ट में आपको डिप्नोइंस में ये चीज़ प्रेजेंट होता है। तो हमने बोला एक्सेप्शन है, या एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स आप मान सकते हो, क्योंकि वो हम आगे और बढ़ रहे हैं एम्फीबियंस की तरफ। सो दिस सब क्लास इज डिवाइडेड इंटू थ्री सुपर ऑर्डर्स, आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले सुपर ऑर्डर से, दैट इज कॉन्ड्रोस्टेई। सो दीज आर द प्रिमिटिव रे फिन्ड फिशेज, मतलब इनके फिन्स में रेस प्रेजेंट होते हैं, सो दैट इज़ वाई दे आर नोन एज प्रिमिटिव रे फिन्ड फिशेज विथ लार्ज ओरल ओपनिंग। इनका माउथ बड़ा होता है, काफ़ी बड़ी ओपनिंग होती है, और ये प्रिमिटिव फिशेज होती हैं कॉन्ड्रोस्टेई। सो दिस सुपर ऑर्डर इंक्लूड्स थ्री ऑर्डर्स, वैसे तो इसके तीन ऑर्डर्स हैं, बट अभी कोई भी फिशेज लिविंग कंडीशन में, बहुत कम ही फिशेज हैं, सिर्फ एक सिंगल ऑर्डर के फिशेज लिविंग हैं, बाकी सब एक्सटिंक्ट हैं। सो द ओनली फिशेज ऑफ वन ऑर्डर इज सर्वाइविंग एंड दैट इज द ऑर्डर पॉलिप्टेरी फॉर्मिस। तो पॉलिप्टेरी फॉर्मिस की जो फिशेज हैं, दीज आर सर्वाइविंग। तो इनके कैरेक्टर्स पर आते हैं, दीज फिशेज विथ गेनॉइड स्केल्स, इनमें गेनॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये प्रिमिटिव हैं, गेनॉइड स्केल और सब में नहीं मिलेगा। बाकी सारी फिशेज में आपको साइक्लॉयड और टेनॉयड फिशेज मिलेगा। कार्टिलेजिनस फिशेज में मैंने आपको प्लेकॉयड स्केल बताया था, जो सैंड पेपर लाइक उसका अपेयरेंस देता है स्किन का। तो ये गेनॉइड स्केल जो है, ये प्रिमिटिव फिशेज का फीचर है। कॉडल फिन इज सिमेट्रिकल, सो मतलब होमोसर्कल भी कह सकते हो। डॉर्सल फिन हैज़ मेनी पेक्यूलियर फिनलेट्स, तो इसकी डॉर्सल फिन्स में बहुत सारे फिनलेट्स होती हैं। इसका एग्जाम्पल है पॉलिप्टेरस। सेकेंड सुपर ऑर्डर पे आते हैं, दैट इज होलोस्टेई। सो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि दीज आर इंटरमीडिएट रे फिन्ड फिशेज। उधर आपको मैंने प्रिमिटिव रे फिन्ड फिशेज बताया था फर्स्ट ऑर्डर में, सेकेंड सुपर ऑर्डर में इंटरमीडिएट रे फिन्ड फिशेज, यानी कि इनमें मिक्स्ड होगा, यानी कि कार्टिलेजिनस और बोनी दोनों तरह की रेज हो सकती हैं। सो दीज आर विथ स्मॉल ओरल ओपनिंग्स। तो फर्स्ट ऑर्डर में आपको क्या बताया था, कॉन्डोस्टेई में लार्ज ओरल ओपनिंग, यहाँ पर क्या है, स्मॉल ओरल ओपनिंग्स एंड हेट्रोसर्कल टेल और कॉडल फिन्स। उधर क्या बताया था, होमोसर्कल। ओके तो सिमेट्रिकल का मतलब होमोसर्कल था, यहाँ पर क्या है, एसिमेट्रिकल या हेट्रोसर्कल टेल। इसका पहला ऑर्डर है एमीफॉर्मिस। एमीफॉर्मिस के कैरेक्टर्स में साइक्लॉयड स्केल्स इसके जो होते हैं वो ओवरलैप्ड कंडीशन में होते हैं, यानी कि साइक्लॉयड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं ओवरलैपिंग कंडीशन में, एंड दे हैव लॉन्ग डॉर्सल फिन। इनका डॉर्सल फिन काफ़ी लॉन्ग होता है। एग्जाम्पल है आमिया, आमिया को हम बोइन भी कहते हैं। सेकेंड ऑर्डर इज लैपिडोस्टेइफॉर्मिस। सो इसके कैरेक्टर्स, दीज हैव रोम्बॉयड गेनॉयड स्केल्स विच आर अरेंज डायगोनली। सो डायगोनली अरेंज होते हैं, डायगोनली मतलब तिरछे तिरछे अरेंज होते हैं। सो नेक्स्ट कैरेक्टर इज नेजल ओपनिंग एट द एंड ऑफ इलोंगेटेड टूथ स्नाउट।
तो इसका स्नाउट जो होगा वो उसमें टीथ भी प्रेजेंट होगा और ये बहुत इलॉन्गेटेड होगा और उसमें नेजल ओपनिंग प्रेजेंट होगी। सो इसका एग्जांपल है लैपिडोस्टेयर्स, बिल्कुल इसके ऑर्डर के नाम के अकॉर्डिंग इसका जीनस भी है। और आप ये भी याद रखिए बच्चों कि आपको जब भी जीनस लिखना है और स्पीसीज लिखनी है या फिर किसी भी एनिमल का साइंटिफिक नेम आप लिख रहे हो तो वो बुक्स वगैरह में इटैलिक्स में दिखता है, जैसे मैंने भी यहाँ पर दिखा है, थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है आपको इटैलिक्स में, बट आप जब भी लिखोगे राइटिंग में तो आप उसको अंडरलाइन कर दोगे ताकि ये पता चले कि ये जूलॉजिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है। ओके, सो लैपिडोस्टेयर्स इटैलिक्स में है। कॉमनली इट इज नोन एज गार पाइक। नेक्स्ट सुपर ऑर्डर थर्ड इज टीलियोस्टेई। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सुपर ऑर्डर, इट इंक्लूड्स नियरली 25,000 स्पीसीज, दे आर डिवाइडेड इंटू मेनी ऑर्डर्स। तो दीज मेनी ऑर्डर्स आर, हम शुरुआत करते हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स हैं तो फटाफट हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ऑर्डर वन इज क्लूपोइफॉर्मिस। क्लूपोइफॉर्मिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कॉडल फिन इज होमोसर्कल। इसका एग्जाम्पल है हिल्सा हिल्सा, इसको हेरिंग्स भी कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है सेलमॉन। नाउ कम टू द सेकेंड ऑर्डर साइप्रिनी फॉर्मिस। इसमें यूजुअली कार्प्स आती हैं, बहुत सारी वराइटीज हैं, बहुत सारी फिशेज हैं। सो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि दे हैव वेबेरियन ऑसिकल्स कनेक्टिंग द ईयर विथ एयर ब्लैडर। तो ईयर को एयर ब्लैडर से कनेक्ट करने के लिए वेबेरियन ऑसिकल प्रेजेंट होता है। सो ऑडिटरी अपैरेटस भी इसको हम बोल सकते हैं। एयर ब्लैडर इज कनेक्टेड विद डक्ट्स टू द एलिमेंट्री कैनाल। तो डक्ट का मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट्री कैनाल के किसी भी पोर्शन से डक्ट के द्वारा एयर ब्लैडर कनेक्टेड होता है। किसी फिश में फेरिंग्स के द्वारा कनेक्टेड होता है, किसी में इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है एयर ब्लैडर। सो इट मे डिपेंड, सो कई सारी वराइटीज हैं। इसके एग्जाम्पल हमने काप्स तो बताए दिए, तो आप सब लोग जानते हो लेबियो, सिरहाइना, बारबस, रीता रीता, ये सब इसी में आ जाएंगे। तो इसमें काप्स एंड कैटफिश सब आ जाती हैं सैप्रेनी फॉर्म इसमें। नेक्स्ट आप इस पे देखो, ये क्लूपई फॉर्मिस की दो फिशेस का एग्जाम्पल है हिल्सा और सेलमॉन। इन दोनों के बारे में हमने फर्स्ट ऑर्डर में बताया था। नाउ कम टू द थर्ड ऑर्डर एंगुली फॉर्मिस। हम सारे फिगर यहाँ पॉसिबल नहीं है दिखाना, तो आप जो फूड फिशेस हैं उनको तो आप जानते हो, लेबियो रोहिता वगैरह को, आप रोहू जिसको हम कॉमनली बोलते हैं, तो इन सबको आप इजीली देख सकते हो, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर थर्ड एंगुली फॉर्मिस, बॉडी ईल लाइक, यानी कि लंबी सी होती है, एंड एयर ब्लैडर इफ प्रेजेंट कनेक्टेड विद इंटेस्टाइन बाय अ डक्ट। तो हमने बताया था ना कि अलग अलग चीज़ों से कनेक्टेड होता है एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पोर्शन से। तो एंगुली फॉर्मिस में एयर ब्लैडर इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है बाय अ डक्ट, एग्जांपल एंगुइला। ऑर्डर फोर इज बेलोनी फॉर्मिस, फाइसोक्लिस्टिक फिशेस। अब फाइसोक्लिस्टिक का मतलब क्या है? फाइसोक्लिस्टिक मीन्स जो एयर ब्लैडर है दोज आर विदाउट डक्ट, मतलब एयर ब्लैडर में कोई डक्ट नहीं होता। तो जैसे आपने अभी तक हमने बताया कि एलिमेंट्री कैनाल के किसी न किसी पोर्शन से कनेक्ट होता था, यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल के पोर्शन से एयर ब्लैडर कनेक्टेड नहीं होता है। दैट इज़ वाई दीज फिशेज आर नोन एज फाइसोक्लिस्टिक फिशेज। तो एयर ब्लैडर होता तो है बट दे डोंट हैव एनी डक्ट। सो फिन्स आर विदाउट स्पाइंस, एग्जाम्पल एक्सोसोइटस। अभी मैं इसका फिगर भी आपको दिखाऊंगी। एक्सोसोइटस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम फ्लाइंग फिश भी कहते हैं। ये उड़ती है, थोड़ी थोड़े टाइम के लिए उड़ जाती है, ट्री पे चढ़ जाती है, इस तरह का काम भी करती है, क्योंकि इसका जो पेक्टोरल फिन है वो बहुत बड़ा होता है और वो हेल्प करता है इसको फ्लाई करने में। इसके अलावा और एग्जाम्पल है बेलोन या फिर जेनेंटोडॉन। नेक्स्ट ऑर्डर इज सिंगनेथी फॉर्मिस, यहाँ भी फाइसोक्लिस्टिक फिशेस हैं जिसमें कि और इसके अलावा इनमें जो फर्स्ट डॉर्सल फिन होता है वो अगर प्रेजेंट है तो स्पाइनस होता है। तो इसका फर्स्ट डॉर्सल फिन जो है स्पाइनस होता है। इसका एग्जांपल है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस, इसको कॉमनली हम सी हॉर्स भी बोलते हैं,
हॉर्स जैसा इसका शेप होता है. सो दूसरा एग्जांपल है सिंगनाथस, जिसका कॉमन नेम है पाइप फिश. पाइप की तरह होती है ये फिश. नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑर्डर, सिम्ब्रैंकिफॉर्मिस. सो दीज आर ऑल्सो ईल लाइक बॉडी एंड एयर ब्लैडर इज एब्सेंट. यूजली इनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है. स्पाइंस भी एब्सेंट होते हैं फिन्स में, ना तो एयर ब्लैडर होता है ना तो फिन्स में स्पाइंस होते हैं. सो इसका एग्जाम्पल है एम्फिपनस. एम्फिपनस ईल लाइक मैंने बताया, ये आप ध्यान रखिएगा. और इसके अलावा सिम्ब्रैंकस, इसका दूसरा एग्जाम्पल है सिम्ब्रैंकस. नेक्स्ट ऑर्डर इज पर्किफॉर्मिस, फाइसोक्लिस्टिक फिशेस. यहाँ भी एयर ब्लैडर जो है वो एलिमेंट्री कैनाल से डक्ट के द्वारा कनेक्टेड नहीं होता है. फिन्स यूजुअली विथ स्पाइंस, यूजुअली विथ टू डॉर्सल फिन्स. तो आप देखिए यहाँ एक्सेप्शनल केस आ गया. यूजुअली क्या होता है, डॉर्सल फिन मैंने एक बताया था, बट यहाँ पर्किफॉर्मिस में दो दो डॉर्सल फिन्स प्रेजेंट होती हैं और इनके फिन्स जो होते हैं वो स्पाइंस के साथ होते हैं, स्पाइंस होते हैं इसमें. एग्जाम्पल है एनाबस. एनाबस को हम क्लाइंबिंग पर्च बोलते हैं क्योंकि ये क्लाइंब करती है, कूदती है, उछलती कूदती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है. ये कुछ टाइम के लिए उछल करके लैंड पे भी आ जाती है, फिर वापस ये वाटर में चली जाती है. दूसरा एग्जाम्पल इज परका और येलो पर्च. येलो कलर की होती है ये पर्च. सो ये दिस इज द फिगर ऑफ एक्सोसोर्टस और फ्लाइंग फिश. आप देखिए इसका जो विंग लाइक पेक्टोरल फिन है कितना एनलार्ज्ड है. इसकी बॉडी पे साइक्लॉइड स्केल्स प्रेजेंट हैं और इसकी पेल्विक फिन आपको दिख रही है पेयर्ड फॉर्म में. और कॉडल फिन जो है दैट इज हाइपोसर्कल टेल. नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑर्डर, प्लूरोनेक्टिफॉर्मिस. सो बोथ आईज आर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, प्लूरोनेक्टिफॉर्मिस. इसमें क्या होता है, इसकी दोनों आँखें जो हैं वो एक ही साइड में सिचुएटेड होती हैं, दोनों एक साइड में चली जाती हैं आँखें. सो इसका लेस एसिमेट्रिकल. अब दोनों आँखें एक साइड में चली गई तो आप मीडियन रीजन से अगर कट करके देखना चाहोगे तो मिरर इमेज तो मिलेगा नहीं, तो यानी कि बायलैटरल सिमेट्री नहीं होगी इसमें. सो आप क्या कहोगे, इसका लेस एसिमेट्रिकल क्योंकि आईज दोनों एक साइड में शिफ्ट हो गई हैं. फिन्स यूजुअली विदाउट स्पाइंस, एडल्ट विदाउट एयर ब्लैडर. तो अगर लार्वल कंडीशन में एयर ब्लैडर प्रेजेंट भी है तो एडल्ट में प्रेजेंट नहीं होता है, वो डीजेनरेट हो जाता है. एग्जाम्पल इज प्लूरोनेक्टिस. जैसा इसका ऑर्डर का नाम है उसी तरह से इसके जीनस का नाम है प्लूरोनेक्टिस. और दूसरा एग्जाम्पल है सैनैप्चुरा. नेक्स्ट ऑर्डर इज इकाइनीफॉर्मिस. सो द स्पाइनस डॉर्सल फिन इज मॉडिफाइड इनटू एन एडहेसिव डिस्क. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर. इकाइनीफॉर्मिस में क्या होता है कि जो इसका डॉर्सल फिन होता है वो मॉडिफाई हो जाता है एक एडहेसिव डिस्क में. सो एडहेसिव डिस्क के द्वारा ये कहीं पे भी चिपक सकती है डॉर्सल साइड से आराम से, ठीक है. सो दैट इज प्लेस्ड ऑन द हेड. इसके हेड पे एक एडहेसिव डिस्क होता है और वो एक्चुअली मॉडिफिकेशन होता है डॉर्सल फिन का. एयर ब्लैडर इज एब्सेंट. एग्जाम्पल इज इकाइनीज. बिल्कुल जीनस का नाम भी सेम ऑर्डर, उसी जीनस के नाम पर बेस्ड है. इकाइनीफॉर्मिस का एग्जाम्पल इज इकाइनीज, जिसको कि हम सकर फिश कहते हैं. सकर मतलब सक करना या कहीं पर चिपक जाना, ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज सकर फिश. नेक्स्ट ऑर्डर इज ओफियोसिफेलिफॉर्मिस. सो फाइसोक्लिस्टिक फिशेज हैं ये. इनमें स्पाइंस प्रेजेंट नहीं होते इनके फिन्स में. स्केल्स आर साइक्लॉयड. एयर ब्लैडर इज वेरी लॉन्ग. इनमें एयर ब्लैडर बहुत लंबा होता है. ओफियोसिफेलिफॉर्मिस आप लोग याद रखिएगा. इसका एग्जाम्पल है चन्ना और ओफियोसिफेलिस. इसको स्नेक हेड फिश भी कहते हैं. बिल्कुल सांप जैसा, स्नेक के जैसा इसका हेड होता है. नेक्स्ट ऑर्डर इज टेट्राडोंटिफॉर्मिस. सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. स्केल्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस. इसके स्केल्स जो है स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो आप पॉर्कोपाइन आप अगर सुने होगे तो बिल्कुल उसके जैसी ये फिश होती है. छोटी सी, गोलू मोलू सी एकदम होती है, फूली हुई सी. ग्लोबल्स फिश भी कहते हैं. सो दे ऑल्सो हैव शार्प टीथ एंड गिल ओपनिंग्स रिस्ट्रिक्टेड. इनमें गिल जो है वो ओपन नहीं हो पाता है, तो गिल ओपनिंग्स आर रिस्ट्रिक्टेड.
एंड दीज आर पॉइजनस फिशेज। सो इसका एग्जाम्पल है टेट्राडॉन, जिसको कि हम कॉमनली गलफुल्लो भी बोलते हैं हिंदी में। यहाँ गंगा रिवर में मैंने टेट्राडॉन को देखा भी है, हाथ हाथ में तो नहीं लिया क्योंकि ये पॉइजनस होती है और मुझे पता था। मैं भी आप लोगों की तरह पढ़ी थी बीएससी में एमएससी में, तो रिसर्च के टाइम में मैं रिवर पे गई थी जब फिशेस कलेक्ट करने, तो फिशरमैन बहुत सारे फिशेस लाए थे, उनमें से टेट्राडॉन भी मिली थी, तो मैंने उसको ले लिया था वाटर में, बट मैंने उसको टच नहीं किया था। बिल्कुल गोल मटोल सी बलून जैसी थी, छोटी सी। और दूसरा एग्जाम्पल है डायडॉन, जिसको कि हम पॉर्कोपाइन फिश कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसके स्केल्स जो हैं वो स्पाइन में कन्वर्टेड होते हैं या मॉडिफाइड होते हैं, तो पॉर्कोपाइन जैसी दिखती है ये। नेक्स्ट ऑर्डर इज गैडीफॉर्मिस, ये भी इम्पॉर्टेंट है गैडीफॉर्मिस, क्योंकि आप लोग जो कॉड लिवर ऑयल विटामिन ए के लिए लेते हो वो इसी से लिया जाता है, इसी फिश के लिवर से लिया जाता है। सो दिस इज़ फाइसोक्लिस्टिक फिश, यानी कि डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं एयर ब्लैडर में। इसके अलावा फिन्स आर विदाउट स्पाइंस एंड स्केल्स आर साइक्लॉइड। तो इसका एग्जाम्पल है गैडस, बिल्कुल इसी ऑर्डर के नाम पर बेस्ड है, इसका जीनस भी गैडस, और इसको कॉमनली हम कॉड बोलते हैं, और कॉड लिवर ऑयल आप जानते हो। तो इसका फिगर देख लीजिए आप लोग कैसी दिखती है गैडस या कॉड फिश। नाउ कम टू द नेक्स्ट सब क्लास, सार्कोप्टेराइगी। एक्टिनोप्टेराइगी आपने पढ़ लिया, अब सार्कोप्टेराइगी पे हम जा रहे हैं, ये और एडवांस्ड है। सो पेयर्ड फिन्स, लोब्ड और फ्लैशी। तो आप लोग अभी तक रे फिन्ड फिशेस पढ़ रहे थे, रेज होती थी फिन्स में, ठीक है। यहाँ पर कैसे हैं, ये लोबेट हैं, इनके फिन्स कैसे हैं, लोब्ड हैं या फ्लैशी हैं, या बिल्कुल जैसे हम लोगों के लिम्स होते हैं उस तरह से लिम्ब लाइक होते हैं। इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, और इसी नॉस्ट्रिल को हम क्वानी भी कहते हैं, क्वानी आर कनेक्टेड टू माउथ कैविटी। तो देखा आपने फिशेस में, यानी कि इसके पहले सब क्लास पहला जो एक्टिनोप्टेराइगी था उसमें मैंने आपको बताया था कि नॉस्ट्रिल्स जो हैं वो माउथ से कनेक्टेड नहीं होते हैं, है ना, एक दो एक्सेप्शंस के अलावा। यहाँ सार्कोप्टेराइगी में क्या है कि दीज क्वानी आर या इंटरनल नॉस्ट्रिल्स आर कनेक्टेड विद द माउथ कैविटी। इसमें दो ऑर्डर्स हैं, सो फर्स्ट ऑर्डर इज क्रॉसोप्टेराइगी। सो इसमें पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं विथ स्केल्स एंड टीथ आर कोनिकल एंड वेल डेवलप्ड। सो दीज आर एक्सटिंक्ट फिशेस। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑर्डर, दैट इज डिप्नोई। डिप्नोई में लंग फिशेज आ जाती हैं एंड दीज हैव साइक्लॉइड स्केल्स, एयर ब्लैडर पेयर्ड लंग लाइक। तो आपको याद रखना होगा कि डिप्नोन्स में एयर ब्लैडर सिंगल नहीं होता, पेयर्ड होता है। सो दिस ऑर्डर इंक्लूड्स लिविंग फिशेज। इन द प्रेजेंट डे ओनली 3 जेनेरा आर लिविंग, सो दे शो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अलग अलग कंट्रीज में पाई जाती हैं, अलग अलग जगह पे। सो एक ही जगह पे नहीं है। सो अलग अलग एग्जाम्पल अलग अलग कंट्रीज का है। पहला एग्जाम्पल है नियो सिरेटोडस, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, सो इनको हम ऑस्ट्रेलियन लंग फिश भी कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज प्रोटोप्टेरस, दैट इज अफ्रीकन लंग फिश फाउंड इन अफ्रीका। एंड थर्ड एग्जाम्पल इज लेपिडोसायरन, सो दिस इज साउथ अमेरिकन लंग फिश फाउंड इन साउथ अमेरिका। आप फिगर भी देख सकते हो इन तीनों लंग फिशेस का, और आपको फिर से मैं याद दिला दूं कि लंग फिशेज आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिशेज एंड एम्फीबियंस। तो पहला जो फिगर आपको दिख रहा है दैट इज ऑस्ट्रेलियन लंग फिश का है नियो सिरेटोडस। सेकेंड फिगर जो है दैट इज पहला वाला ऑस्ट्रेलियन था, दूसरा वाला अफ्रीकन है, अफ्रीकन लंग फिश दैट इज प्रोटोप्टेरस, एंड थर्ड वन इज साउथ अमेरिकन लंग फिश लेपिडोसायरन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।